वेलकम टू माई चैनल और अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा है उस्ताद चाहत अली खान साहब के स्टाइल में मैंने इस्लाम बुलाया और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है बेसिकली वो एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आज हम ना पहली दफ़ा हमने रोटी बनानी है और आटा भी गूंदना है, तो इसलिए क्या मैंने सोचा कि चलो आपको भी साथ में दिखाते हैं कि आटा कैसे गूंदते हैं। पहले मैंने उस दिन आटा गूंदा है और वो मुझसे गलती हो गई, मैंने पानी ज़्यादा डाल बैठा था इसलिए वो ख़राब हो गया था। तो आज दोबारा ट्राई करनी है हमने और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं फिर हम। और चैलेंज में सबसे पहले तो ये भी हमारे लिए चैलेंज, हमें ये नहीं पता कि ये आटा है या क्या चीज़ है, क्योंकि इस पर ये लैंग्वेज पता नहीं क्या लिखी हुई है। और ये ना सारे पैकेट्स ऐसे होते हैं, उसमें मैदा भी होता है और सूजी भी होती है। अब ये देखने में तो आटा ही लग रहा था मुझे, तो बाकी अब देखते हैं जब रोटी बनेगी तभी पता चलेगा। हमने डाल लिया है बर्तन में, उस दिन हमसे खच बच गई थी और इसलिए आज हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ ट्राई करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हमें वाइब्स तो ठीक ही आ रही हैं फिलहाल, तो उस दिन मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था और मैं बाद में आटा डाल रहा था, और आज अभी तक तो काम ठीक ही लग रहा है। एंड पे देखते हैं क्या बनता है। ये अब ठीक ही लग रहा है, एंड पे इसको कसौन भी मारते होते हैं, देखा है मैंने बचपन से ही। तो अब हम इसको कसौन मारते हैं ऐसे ऐसे करके जी। तो ये गूंधा गया आटा, बाकी ठीक ही लग रहा है, दो की रोटियां बन जाएंगी इससे। बाकी अब इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं और फिर बनाएंगे हम इसे रोटी। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था लेकिन वो ऊपर वाले जो होता है बॉक्स उसमें रख दिया था और वो थोड़ी ज़्यादा देर हो गई तो वो काफ़ी सॉलिड से हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है, थोड़ा सा सेट होता है तो फिर हम आगे वाली कोशिश करेंगे। ये हमने कर लिए हैं पेड़े और अब हम सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसे रोटी बनाना है, तो अब देखते हैं वो कैसे बनती है। तो ऐसी बन रही है हमारी पहली रोटी, ये बनी है हमारी पहली रोटी और ज़्यादा बुरी नहीं है, गुजारा हो जाएगा। पहली रोटी हमारी वो थी, दूसरी रोटी हमारी ये है, तो जैसी भी अब खानी है। पहले तो खा ली है मैंने, अब ये खाते हैं और बहुत सारी तालियां बजाने के बाद जाके ये रोटी बनी है। और ये तवा भी मेरे पास दूसरा तवा नहीं है, चूल्हा जो है ना वो भी दूसरा है, इस पर तवा भी सही गर्म नहीं होता मे भी इसीलिए। तो हमने दो रोटियां बनाई हैं और दो खा ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आसान है काम, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मेरी सब भाइयों से है गुजारिश कि आप भी कभी कभार घर में ट्राई किया करें, खुद बनाकर खाया करें, अच्छा लगेगा आपको। और बाकी इसी के साथ इजाज़त दें, कैमरामैन 12 प्रो के साथ आपका होस्ट एडवोकेट फारूक वकील। तो बाकी खुश रहें और अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।